और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास। और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बनाकर के रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले, रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका यह महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा, निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान, नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी इस सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 75 वर्षीय यात्रा हवे नवा मुकाम थी शुरू थई रही छे, ने आवतीकाले गणेश चतुर्थी थी आखरे एक नवा भारतनी शुरुआत थशे, तमाम विघ्नों दूर थशे अने देश ने एक विकसित राष्ट्र बनावानी नेम तेमणे व्यक्त करी। रोवा धोवा माटे बीजो समय छे, आ सत्रमां महत्वपूर्ण आखरे काम थशे। भगवान गणेश तमाम विघ्न हशे तेमना आ वक्तव्यना मुख्य अंश आपनी समक्ष राखी रह्या छे कि ज्यां संसद भवन पहुंच्या बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए G20નું એક સફળ આયોજન હોવાનો દાવો કર્યો। આ ઉપરાંત સંસદનું આ સત્ર નાનું છે પરંતુ સમય મુજબ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોવાનો પણ દાવો કર્યો છે। આ સત્ર વિશેષ છે અને નવી સંસદના શ્રી ગણેશ કરીને
आखरे આગળ વધવાની નેમ તેમણે વ્યક્ત કરી છે। જો કે 2024 ના ફેક્ટરને લઈને જે આ સત્રની અંદર બિલ રજૂ થવાના છે તે કેટલા ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે।